हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज क्या बना है आपके किचन में? क्या पक रहा है संडे स्पेशल? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज बच्चों के लिए बनाया है पालक पनीर, और वो भी बनाया है लोहे की कढ़ाई में। आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मैंने है ना सारे एल्युमिनियम के बर्तन, जो अपनी कढ़ाई थी ना जिसमें नॉन स्टिक इवन तक, वो सब भी हटा दिए हैं। क्योंकि बहुत टाइम पहले ही हटा दिए थे, खैर लेकिन कभी चाल यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब मैंने परमानेंट हटा दिया अपने किचन में से, कि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं जिससे बीमारियों को आगमन हो। क्योंकि कुछ कुछ केसेस हमारे फैमिली में ऐसे हो गए हैं अभी हाल फिलहाल में, कि हम लोग काफ़ी डर गए हैं सच बताएं। क्योंकि अभी वैसे ही इतना मिलावटी सब कुछ चल रहा है सच में। जो खाना आप खा रहे हो सब में मिलावट है, सब में। तो जितनी चीज़ों से हम खुद से बच सकते हैं तो अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, हर चीज़ में ही तो मिलावट है। आप तेल खा रहे हो, घी खा रहे हो, सारे मिर्च मसाले खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, सब चीज़ में मिलावट है, सब चीज़ में मिलावट है। तो जितना अपने आप से अपन बचा सकते हैं, जानबूझ के तो अपने आप को मत डालो उन चीज़ों में। क्योंकि हमारे परिवार में ही अभी दो केस ऐसे हुए हैं कि मतलब उम्र में उम्र नहीं है, और बीमारी इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ नहीं कह सकते सच में। तो ऐसा लगता है ना, अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान भी बीमारियों के घेरे में आ रहा है। तो ये माहौल ही ऐसा चल रहा है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो तो सुनते नहीं हैं, आप लोगों को मालूम है। मैं तो अपने ही बच्चों की बोलूँगी, दूसरों की तो मैं बाद में बोलूँगी, कि हमारे बच्चों को भी बाहर का खाने की बहुत बुरी लत पड़ी हुई है। ऐसा हर 2-4 दिन में उन्हें बाहर का, हर 2-4 दिन में बाहर का, कि मम्मी ये मम्मी वो। और कई बार ऐसा लगता है कि मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा ना सोचें कि अरे मेरी माँ मेरे लिए ये करके नहीं दे रही, मेरी माँ ये करके नहीं दे रही। तो फिर ऐसा लगता है कि चलो यार ठीक है, खा लो तुम ये कितने दिन। क्योंकि अभी राधिका का तो फिर ये है कि, और फिर मैं राधिका को ये जरूर समझाती हूँ कि बेटा देखो, तुम्हारा शरीर में ऑलरेडी थायराइड है आपको, है ना, थायराइड है, प्लस आपको मतलब वो भी है जो क्या बोलते हैं उसका नाम याद है, जिसमें सर्कल में बाल उड़ते हैं, है ना, अच्छा खासा नाम है उसका, नाम याद नहीं यार। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। उसमें क्या होता है कि चाहे आपके आईब्रो के बाल उड़ जाएंगे, चाहे आपके एक एक सर्कल सर में बनता जाएगा, और आपका बाल गोलाई में उड़ता है, मतलब ऐसा रहता है। तो ये राधिका के साथ होता है। राधिका को फर्स्ट टाइम यही बीमारी हुई थी जब वो 9 साल की थी। उनके बाल उड़ना शुरू हुए सर्कल फॉर्म में यहाँ से। तो मुझे लगा कि यार कोई कह रहा है कि ये कीड़ा होता है, कोई कुछ बोला कि एक तरह का कीड़ा होता है अंदर जो दिखता नहीं है, वो बालों को खाता जाता है। तो मैंने कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो दिख तो है नहीं रहा। तो फिर मैंने यहाँ पर जो स्किन वाले डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया था। जब उनको दिखाया तो वो बोलने लगे, सबसे पहले ये जो पैच बन रहे हैं इनके बाल जो उड़ रहे हैं, कल इसके लिए कुछ टेस्ट होंगे। जब वो टेस्ट कराए तो उनको निकला हाइपर थायराइड, है ना, हाइपोथायराइड निकला था ना, मोटा होने वाला ये है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब 60 अबव था उनका, ऐसा था। तो फिर वो बोलने लगे कि एक काम करो, आप तो सीधे इसको भोपाल दिखाओ। मतलब मात्र 9 साल की उम्र थी, 8 की कंप्लीट हुई थी, 9 में चली रही थी तब। तब मैंने दिखाया तो 2-3 साल तो उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि इसका थायराइड ऐसे ठीक नहीं होगा। आप सोचो कि इनको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी, ऐसा है। और अभी भी राधिका उसी टाइम से दवाइयाँ ले रही, लेकिन इसका डोज देखो आप कितना चलता है, कभी 125 mg, कभी 100 mg, मतलब 25-50 mg तो इन्होंने खाए ही नहीं है, मतलब इनका इतना मात्रा। और प्लस इनका क्या है, इनको डॉक्टर बोलता है कि बाहर के फास्ट फूड नहीं खाना है, पैकेट फूड नहीं खाना है, घर का सिंपल फूड खाना है, प्लस आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। मतलब खत्म नहीं हो सकती बीमारी से, सिर्फ आप बच सकते हो। आप सोचोगे कि खत्म हो जाएगी तो आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ, है ना। तो
क्योंकि ये जो थायराइड आप लोगों को मालूम है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, और ये राधिका को है प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आता कि अभी उनके आईब्रोज के बाल उड़ रहे हैं, राधिका के यहाँ से उड़ गए, थोड़े से यहाँ से उड़ गए, और फिर आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम बाद वो आ जाएंगे, ऐसे बालों का होता है उसके। जबकि उसके बाल इतने खूबसूरत थे सच में दोस्तों, जब वो छोटी थी ना उसके बाल कमर से नीचे लहराते थे, वो इतना बेहद खूबसूरत लगते थे उसके बाल। लेकिन अब बस क्या कर सकते हैं, उड़ते लेकिन बस वो मानती नहीं ना, तो मुझे इसलिए गुस्सा आती है कि बाहर का फूड मत खाओ। मैं उसे अभी अभी भी समझा दी कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा नियमित करो, सुबह से उठो, गर्म पानी पियो, जो मैं करती हूँ मैं उसको वो ही बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा सा मतलब अपने आप को ध्यान दोगे तो आप बीमारियों से बचे। अभी एक बीमारी, कल के दिन दूसरी बीमारी का आगमन होगा, आप खुद से निमंत्रण दे रहे हो अपने शरीर में इन बीमारियों के लिए खुद से, क्योंकि आपकी जो लाइफ है बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत अनियमित लाइफ जी रहे हो आप, जिसमें आपका सोना बहुत गलत है, सोने का टाइमिंग गलत है, उठने का टाइमिंग गलत है, खाने पीने का टाइमिंग गलत है, कोई शरीर में आपका कोई फिजिकल आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर तो शरीर ही है, कब तक सहेगा वो ये सारी चीजें, है ना। आज जैसे मेरा 45 हो गया, मैं आप लोग को बताऊँ, है ना, तो मुझे कोई भी नहीं बोलता, मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर कितना भी स्ट्रेस, जबकि ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर कितना मतलब टेंशन है, कितना सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं घबराती नहीं हूँ ये सब सारी चीजों से। हाँ, पल भर के लिए मैं बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, लेकिन खुद से इन चीजों को निकालती हूँ, और अपनी लाइफ को मैंने रेगुलर रखा है, नियमित रखा है कि सुबह से उठना है तो गर्म पानी पीना है, उसके बाद त्रिफला लेना है मेरा, इसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश होना है सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके फिर अपना जो जूस वगैरह है वो लेना है, चाय कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना है सुबह से। ये मैंने अपनी लाइफ के कुछ नियम बना रखे हैं, है ना, अपना फिजिकल एक्टिविटी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आए अपना उसे क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सुबह से या तो सैलेड ले लो या खाना खाने से पहले, है ना, ये चीज़ ध्यान रखो, सैलेड हमेशा खाना खाने से पहले खाओ, खाने के साथ, जैसे आज इंडिया में क्या होता है, अधिकतर लोग ना खाने के साथ बैठ के सैलेड ज़्यादा खाते हैं, तो खाने के साथ वो चीज़ एक अलग है, लेकिन आपका यदि आप पहले ही थोड़ा सा अंकुरित दाल वगैरह हैं, अंकुरित जैसे चने हैं, अंकुरित मूंग की दाल है, या इस तरीके से आप चीज़ें, और साथ में थोड़ा सा आप सैलेड काट के एक नींबू मिलाओ उसमें, ये सारी चीज़ें ले लेते हो, तो आपका बहुत अच्छे से डाइट, जब आप खाना खाने आप बैठोगे ना 1-1.5 बजे करिए, या 12, 12:30, 1 के बीच लंच का टाइम जो होता है, तो आपसे फिर उतना खाना ही नहीं खाया जाएगा, और आप कम खाना खाओगे फिर, क्योंकि आपने सैलेड से पेट भर लिया, और सैलेड से क्या होगा, पेट भी भरा जाएगा आपका, और आपको भूख भी नहीं लगेगी ज़्यादा, और आपके बॉडी में फैट्स भी नहीं आएंगे। फिर 1 बजे आप सिंपल जो खाना है अपना, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हो बिल्कुल अवॉइड मत करो, जो खाना खाते हो आप पूरा खाना खाओ, है ना, और ये नहीं कह रहे कि कम खाना खाओ। फिर आप 4 बजे थोड़ा बहुत आप चाहो तो ग्रीन टी वगैरह ले सकते हो, हल्का फुल्का सा कुछ नाश्ता ले सकते हो, लाइक पोहा है हल्का फुल्का सा, है ना। फिर आप अपना 7 बजे के पहले डिनर कर लो, कभी भी 7 बजे के बाद आप रात में खाना मत खाओ, और वो भी हल्का खाना खाओ, रात में भी ज़्यादा खाना हैवी खाना को अवॉइड करो। आप इस तरीके की लाइफ जियोगे ना तो डेफिनेटली आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप कंट्रोल रहोगे। अब मेरा भी कभी कभी बीपी लो हो जाता है, ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, जब मैं टेंशन में आती हूँ ना तब मेरे साथ ये बीमारियाँ होती है, अदरवाइज टच वुड मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, अभी तक स्वस्थ हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपने पर ध्यान देती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची जो है ना वो अपने पर ध्यान नहीं देती, इसलिए मुझे गुस्सा आती है, मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि राधिका ऑलरेडी एक बीमारी को लेके आप चल रही हो अपनी बॉडी में, है ना, और इसके क्या दुष्परिणाम है ये तुम खुद जानती हो, बड़ी हो छोटी नहीं हो, आप बहुत अच्छे से जानती हो इनके दुष्परिणाम क्या, लेकिन उस चीज़ को अभी उनको समझ नहीं आ रही, हो सकता है आगे चल के समझें उस चीज को, लेकिन अभी तो उन सब चीजों से अभी तो उनका ये है फ्लो में बह रही है ये है, तो देखते हैं, आई होप भगवान इनको सब ठीक करे।